इस वीडियो पे देखेंगे क्या कैंपेन होता है और कैंपेन को कैसे क्रिएट किया जाता है। सो कैंपेन बेसिकली एक बंच ऑफ एसएमएस, व्हाट्सएप एंड ईमेल। एक कैंपेन के अंदर पे वेलकम एसएमएस, व्हाट्सएप एंड ईमेल रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो डे 1, डे 2, डे 4, डे 10, डे 20 ऐसा करके मैसेज का सीक्वेंस बना के रख सकते। लाइक दिस कंटेंट इट्स अ व्हाट्सएप कंटेंट, ये आपका इमीडिएटली सूट होगा। दिस इज बेसिकली एसएमएस कंटेंट, ये इमीडिएटली सूट होगा। आफ्टर वन डे 9:20 AM पे ऑटोमेटिकली ये व्हाट्सएप कंटेंट सूट होगा। इन द सेम वे 9:20 AM फर्स्ट डे ये एसएमएस कंटेंट सूट होगा। फोर्थ डे 9:45 AM पे ये व्हाट्सएप कंटेंट सूट होगा। सिक्स डे 3 PM ये व्हाट्सएप कंटेंट सूट होगा। तो इस तरीके से आप डे 1, डे 2, डे 4 आप इस तरीके से कंटेंट को शेड्यूल करके रख सकते हैं और आप लीड के साथ में उसको कनेक्ट करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा, जब भी लीड आएगा तो यहाँ पे जैसा सीक्वेंस में आपने कंटेंट को बना के रखे हैं उसी सीक्वेंस में उसका पास में लीड को कंटेंट डिलीवर होता रहेगा। अगर संडे पे लीड आता है तो मंडे पे 9:20 AM पे ऑटोमेटिकली ये व्हाट्सएप सूट हो जाएगा आपका व्हाट्सएप नंबर से। ये एसएमएस 9:20 AM पे ऑटोमेटिकली सूट हो जाएगा। वेडनेसडे पे 9:45 AM पे ये व्हाट्सएप सूट हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली आपका व्हाट्सएप नंबर से लीड का पास में ये कंटेंट डिलीवर होता रहेगा। अब चलिए देखते हैं कैसे कैंपेन क्रिएट किया जाता है और कैसे हम लोग ये सीक्वेंस को बना सकते हैं। इसके लिए आपको कैंपेन में क्लिक करके क्रिएट न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है। इसमें आपको कोई भी कैंपेन का नाम देना है जो आपका रेफरेंस के लिए यूज होगा, बैंगलोर प्रोजेक्ट। अब सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद में आपको इवेंट्स तैयार करने का ऑप्शन रहेगा। इवेंट्स मतलब एसएमएस, व्हाट्सएप, ईमेल, कौन सा मीडियम आप यूज करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो ऐड इवेंट पे क्लिक करने के बाद में आपको एक पॉपअप दिखाएगा जिसमें आपको सिलेक्ट करना है कौन सा मीडियम से आप उस कंटेंट को डिलीवर करना चाहते हैं। तो अभी के लिए मैं व्हाट्सएप पे क्लिक करता हूँ एंड नेम ऑफ द इवेंट्स पे मैं कोई नाम रखता हूँ मेरा रेफरेंस के लिए, लाइक वेलकम व्हाट्सएप इमीडिएटली भेजना चाहता हूँ। एंड इस जगह पे आपको कंटेंट टाइप करके रखना पड़ेगा, हाई और साथ में मैं चाहता हूँ पर्सनलाइज्ड नेम जाए हर एक टाइम में, मतलब क्लाइंट्स का नाम मेंशन हो। एड फुल नेम पे क्लिक करें एंड देन अब अपना मैसेज को टाइप करें। लाइक फॉर अ टाइम बीइंग मैंने ये कंटेंट रखा, आप चाहे तो अटैचमेंट पे क्लिक करके आप अटैच कर सकते हैं। और राइट हैंड साइड आप अपना मोबाइल नंबर टाइप करके एक टेस्ट व्हाट्सएप मैसेज रिसीव कर सकते हैं। क्या अभी सेव करता हूँ और आप देख सकते हैं हमारे लिए एक इवेंट्स तैयार हो चुका है जो कि इमीडिएट बेसिस पे सूट होगा। लाइक सेम वे मैं एसएमएस भी भेजना चाहता हूँ, तो ऐड इवेंट्स पे क्लिक करके मैं एसएमएस पे क्लिक करता हूँ। नेम ऑफ द इवेंट्स पे मैं नाम रखता हूँ, आपका रेफरेंस के लिए मैं इसको इमीडिएटली रखूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ ये इमीडिएटली सूट हो। और एसएमएस बॉक्स में आपको वो एसएमएस टाइप करना है जो डिलीवर होना चाहिए क्लाइंट को। बाय डिफॉल्ट डियर यहाँ पे मेंशन रहेगा, तो आप ओनली वो कंटेंट को यहाँ पे टाइप करें जो आपको डिलीवर करना है। याद रहे ये कंटेंट 160 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर द टाइम बीइंग मैंने ये कंटेंट को टाइप करके मैं सेव कर रहा हूँ। सेम वे यहाँ पर भी आप अपना मोबाइल नंबर को टाइप करके एक टेस्ट एसएमएस रिसीव कर सकते हैं। चलिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हैं आपका पास में दो इवेंट्स बन चुका है इस कैंपेन का अंडर पे। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ नेक्स्ट डे में एक व्हाट्सएप जाए और एक एसएमएस जाए। ऐड इवेंट्स पे क्लिक करें, व्हाट्सएप पे क्लिक करके आप अपना व्हाट्सएप एक सीक्वेंस बना सकते हैं। नेम ऑफ द इवेंट्स पे मैंने फर्स्ट डे रख रहा हूँ क्योंकि ये मेरा रेफरेंस के लिए, ये कंटेंट क्लाइंट का पास नहीं डिलीवर होगा। इमीडिएट के जगह पे मैं करूंगा आफ्टर, मतलब लीड जिस दिन आया उसका एक दिन का बाद में ये मैसेज डिलीवर हो। तो यहाँ पे लीड डिलीवरी डेट पे 1 टाइप करूंगा एंड डिलीवरी टाइम पे मैं चाहता हूँ जस्ट 7:30 पे, सर्व 7:30 पे ये मैसेज डिलीवर हो क्लाइंट को। तो मैंने यहाँ पे 7 एंड देन इस पे 30 टाइप करता हूँ। इस बॉक्स पे आपको वो मैसेज टाइप करना है जो आप क्लाइंट को सेंड करना चाहते हैं। फॉर अ टाइम बीइंग मैं इसी कंटेंट को रखता हूँ। सेम वे आप अपना मोबाइल नंबर को टाइप करके एक टेस्ट व्हाट्सएप रिसीव कर सकते हैं अपने मोबाइल पे। लेट्स सेव इट। तो अभी आप देख पा रहे हैं
फर्स्ट डे 7:30 AM पे ये व्हाट्सएप को शेड्यूल किया गया है। इस तरीके से आप चाहे तो अनलिमिटेड इवेंट्स तैयार कर सकते हैं। अगर आप कोई भी इवेंट्स को सेंड नहीं करना चाहते हैं, आप इसको ऑफ कर सकते हैं। आप एडिट बटन को क्लिक करके किसी भी टाइम अपना कंटेंट को एडिट कर सकते हैं, और कॉपी बटन को क्लिक करके आप सेम टू सेम एक इवेंट्स को कॉपी कर सकते हैं। आप चाहे तो उस इवेंट्स को कॉपी करके उसको मॉडिफाइड करके सेव कर सकते हैं। सो आप इसी तरीके से ऐड न्यू इवेंट्स पे क्लिक करके आप कंटेंट्स को रेडी करके रखिए, शेड्यूल करके रखिए। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ क्या है ये कैंपेन और कैसे कैंपेन को क्रिएट किया जाता है। अब कैंपेन का यूजर्स आपको लीड एड पे या तो लीड बल्क लीड अपलोड पे या तो लीड इंटीग्रेशन पे क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से कोई लीड का साथ में इस कैंपेन को कनेक्ट किया जाता है।